दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ओरल फाइब्रोसिस म्यूकोसा, यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके जबड़े इस कदर सख्त और टाइट हो जाते हैं कि आपका मुंह पूरी तरह से नहीं खुलता है। ये बीमारी ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुटखा खाते हैं या पान सुपारी का सेवन ज़्यादा करते हैं। पान, गुटखा या तंबाकू ज़्यादा खाने की वजह से आपके जो जौ होते हैं, ये जबड़े इस कदर टाइट हो जाते हैं कि आपका मुंह पूरी तरह से नहीं खुलता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में ट्रिस्मस कहते हैं। इसकी वजह ये है कि जब आप पान सुपारी या गुटखा कुछ भी खाते हैं तो उसमें जो बारीक बारीक मैनर्स जो एक नोक होते हैं आपके जबड़े को अंदर की तरफ इंजर्ड कर देते हैं। उसको भरने के लिए एक म्यूकस मेम्ब्रेन बनती है, हील हो जाती है, फिर उसके बाद दोबारा इंजरी होती है, उसके बाद फिर लेयर बनती है। इसी तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन इस कदर ज़्यादा बन जाती है कि वो इतना थिक हो जाती है और टाइट हो जाती है कि आपके जबड़े की मसल्स को ओपन करने नहीं देती है। दोस्तों, ये बीमारी ज़्यादातर उन लोगों को देखी जाती है जो ज़्यादा गुटखा या पान या सुपारी का सेवन ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा देर तक मुंह में गुटखा रखने से या पान या सुपारी खाने से आपकी जो अंदर की तरफ लेयर होती है, जिसे हम जबड़ा कहते हैं, उसके ऊपर बारीक बारीक फाइबर्स होते हैं, उनको ये इंजर्ड कर देती है और वहाँ ज़ख्म बना देती है। ज़ख्म बनाने के बाद फिर वो धीरे धीरे इस कदर बढ़ जाते हैं कि वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाते हैं और वहाँ पे एक लेयर बनती है। लेयर के बाद लेयर, ऐसी कई लेयर बन जाती है जिसकी वजह से एक फाइबर टिश्यू वहाँ जमा हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है। ये बीमारी ज़्यादातर उन्हीं लोगों को देखी जाती है जो बहुत ज़्यादा पान, गुटखा या तंबाकू या सुपारी हद से ज़्यादा खाते हैं। दोस्तों, इस बीमारी की सबसे बड़ी निशानी है ट्रिस्मस, यानी आपके जबड़े इस तरह टाइट हो जाएंगे, आपकी मुंह की जो ओपनिंग है पूरी तरह से नहीं होती है, आपका मुंह खोलने में आपको दुश्वारी होगी, आप खाना खाने में दुश्वारी होती है। दूसरी निशानी ये होती है कि आप तेल मसाला या गरम स्पाइसी चीज़ बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। उसके बाद तीसरी निशानी ये होगी कि आपके मुंह में बार बार जख्म बन जाएगा, जिसकी वजह से आपको बार बार वहाँ पर कोई एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। चौथी और आखिरी निशानी ये होती है कि आपको सुनाई देने में दुश्वारी होगी, आपको आवाज़ें कम आएगी। इस वजह से इसकी वजह ये बताई जाती है कि जब आपके मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं तो जो सुनने वाली मसल होती है उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से आपको आवाज़ बराबर नहीं आती है। जब आपको ये बीमारी हो जाएगी तो आपको खाना खाने में बहुत दुश्वारी होगी। पहला तो आपका मुँह नहीं खुलेगा, दूसरा ये कि आप जब खाना खाएंगे तो आपको मसाला और स्पाइसी चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। कभी कभी गले में और जबड़े में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चुभन वाला दर्द भी होता है। इसमें मरीज़ को कभी कभी फीवर भी आ जाता है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है, मुंह के अंदर बार बार छाले देखने को मिलते हैं, अंदर की जो लेयर होती है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, जिस तरह मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ। ये एक हल्का किस्म का काला होता है, कभी कभी चॉकलेटी किस्म की एक लेयर आ जाती है। इस बीमारी को चेक करने के लिए डॉक्टर अपने क्लिनिक में एक कॉमन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। जो एक कॉमन थेरेपी है वो ये है कि आप मरीज़ को कहते हैं कि आप अपनी चार उंगलियां अपने मुंह में इस ऐसा डालिए, या फिर बाज़ डॉक्टर कहते हैं कि आप अपना मुंह पूरी तरह से खोलिए और कितनी उंगली जाती है ये बताइए। जैसे कि कॉमनली एक मेज़रमेंट है कि मरीज़ को अपने उसकी उंगली 3 से 4 उंगली उसके मुंह में अगर जा रही है तो फिर उसको ओरल फाइब्रोसिस म्यूकोसा की शिकायत नहीं है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मरीज़ की एक उंगली जो होती है वो भी जाने में दुश्वारी होती है। मरीज़ को ये पहली कंडीशन है कैंसरस की, मतलब ये प्री कैंसर डिजीज़ है। इसके बाद मरीज़ अगर एहतियात नहीं किया और पान मसाला गुटखा तंबाकू खाने की आदत बंद नहीं किया तो उसको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और एक सेल्स जो होती हैं एबनॉर्मल ग्रोथ करने की वजह से वहाँ का हिस्सा बहुत तेज़ी से बढ़ने और सड़ने लगता है, उसके बाद से वहाँ पर कैंसर होने के चांसेस है। एक सर्वे के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि ऐसे मरीज़ जिनको ये निशानी पाई गई है, यानी ट्रिस्मस
खुलास हो गया, जिनके जबड़े पूरी तरह से नहीं खुले हैं और अंदर की लेयर काली हो गई है या फिर वहाँ पर लेयर छिल गई है, ज़ख्म हो गया है, बार बार ज़ख्म हो रहा है, तो ऐसे मरीज़ को कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए मेरी ये राय होगी कि अगर आपको ये तकलीफ़ है तो आप फौरन अपने करीबी जो गले के या कान के डॉक्टर हैं उनसे मिलिए और अपनी इन्वेस्टिगेशन अवश्य कराइए। दोस्तों, इसके इलाज के लिए सबसे ज़्यादा फिजियोथेरापी और होम्योपैथिक का इस्तेमाल किया जाता है। होम्योपैथिक में दो दवा जो कि क्यू में यानी मदर टिंचर में इस्तेमाल की जाती है, इससे आप दवे को गार्गलिंग कीजिए और साथ में आप इसे पीने में भी इस्तेमाल करें। लगातार और मुसलसल इस्तेमाल करने से आपको इस पे कंट्रोल मिल जाएगा और वहाँ की मसल जो है नॉर्मल हो जाएगी और आपका मुँह पूरी तरह से खुलने लगेगा। उसमें जो सबसे पहली दवा है मदर टिंचर में कुरकुमा लौंगा, ये हल्दी है। आप जानते हैं कि हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी है और ये पेन को, दर्द को और सूजन को भी कम करती है। उसके बाद दूसरी दवा है ओसिमम सैन क्यू, ये दोनों मदर टिंचर में दवा लीजिए और दोनों को आपस में मिलाकर एक बॉटल में रख लीजिए। उसके बाद आप एक कप कुनकुना पानी लीजिए, उसमें 20 बूंद ये दवा डालिए और गार्गलिंग करिए, मतलब आप गरारा करके उसे कुल्ली कर दीजिए, और खाना खाने के बाद आप इसे नॉर्मली 5-10 बूंद एक कप पानी में डाल के पी भी सकते हैं। दोस्तों, इस मर्ज़ के लिए होम्योपैथिक में सबसे अच्छी दवा जो मानी जाती है, 3 या 4 दवा जो ऐसी है जो टॉप की है, सबसे पहले है कास्टिकम। कास्टिकम को आप जो है 200 पौर में इस्तेमाल कीजिए। आप कास्टिकम लाइए 200 पौर में और रोज़ सुबह में नाश्ते से पहले 2-3 ड्रॉप अपने ज़ुबान पर डाल लीजिए। कास्टिकम एक ऐसी दवा है जो कि आपके बॉडी में किसी भी किस्म के एबनॉर्मल ग्रोथ को रोकती है या फिर कोई चीज़ ऐसी एबनॉर्मल हो गई हो, जो मोटी लेयर हो गई हो या फिर एबनॉर्मल ग्रोथ बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करती है। दोस्तों, होम्योपैथिक में दूसरी दवा जो एबनॉर्मल ग्रोथ को रोकने के लिए और चीज़ों को पतला करने के लिए, यानी अगर वहाँ की स्किन थिक और मोटी हो गई है या फिर एबनॉर्मल ग्रोथ या फिर कैंसरस होने के चांसेस ज़्यादा है, उसको रोकने के लिए जो दूसरी दवा इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है कैल्केरिया फ्लोर। कैल्केरिया फ्लोर 6 में इस्तेमाल कीजिए। ये गोली की शक्ल में आती है, आप इसे खाना खाने के बाद 4-4 गोली चबा कर पानी पी लीजिए। इसके बाद दोस्तों, जो तीसरी दवा मैं इस्तेमाल करता हूँ ओरल कैविटी के लिए, अगर आपके मुंह में बार बार छाले आ रहे हैं, ज़ख्म बन जा रहे हैं, तो उसके लिए होम्योपैथिक में मार्क सॉल बहुत बेहतरीन दवा है। आप इसे 30 पावर में लाइए और एक कप पानी में 10 बूंद डाल के पीजिए या फिर 2-3 ड्रॉप आप खाना खाने से पहले अपने ज़ुबान पर लीजिए। ये दवा आपको जो मार्क सॉल आपको मुँह के छाले के लिए बहुत बेहतरीन है और इनर लेयर को बहुत अच्छी तरह से कवर करती है। अगर आपको कब्ज़ की और गैस की शिकायत है तो आप ये दवा नक्स्वामिका और कार्बोवेद दोनों दवा को आप 30-30 में लीजिए। दोनों दवा को एक कप पानी में 10 बूंद डाल के पी लीजिए खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटे बाद। दोस्तों, मेरे दवा खाने क्लिनिक में जो मैं दवा इस्तेमाल करता हूँ मदर टिंचर गार्गलिंग के यानी गरारा करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें फिर से आपको बता दे रहा हूँ कुरकुमा जो है कुरकुमा लौंगा क्यू में और ओसिमम सैन क्यू, ये दोनों दवा मदर टिंचर में लाइए, उसको मिला के एक बॉटल में रख लीजिए। खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधे घंटे बाद कुनकुने पानी में डाल के इससे गरारा कीजिए। साथ में कास्टिकम 200 में रोज़ सुबह एक बार 3-4 ड्रॉप अपने ज़ुबान पे लीजिए और खाना खाने के आधे घंटे बाद 4-4 गोली कैल्केरिया फ्लोर 6 में लीजिए। अगर आपके मुँह में छाले आ रहे हैं, ज़ख्म बन रहे हैं बार बार, तो आप मार्क सॉल 30 में दिन में 2-3 बार अपने ज़ुबान पर डाल लीजिए। मेरी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए और आम बीमारियों का आसान इलाज जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए।